क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार आईआईटी मुंबई ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की सूची में 152वां रैंक हासिल किया है। 2019 में इस रैंकिंग में इस संस्थान को 162वां स्थान दिया गया था। पिछली बार की रैंकिंग से इसकी रैंकिंग में 10 पायदान का इजाफा हुआ है। उधर आईआईटी दिल्ली, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। IISc बेंगलुरु की ओवरऑल रैंकिंग में भी गिरावट आई है, लेकिन रिसर्च के क्षेत्र में इसकी रैंकिंग दुनिया भर में दूसरी है। QS के रिसर्च डायरेक्टर बेन सोटर के मुताबिक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के 23 संस्थानों को जगह मिली है। 3 संस्थान टॉप 200 की रेस में है, इसके अलावा 6 टॉप 500 की दौड़ में है। 2020 की रैंकिंग में MIT पहले, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पांचवे से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चौथे रैंक से पांचवी पर पहुंच गई है। यूरोप की प्रसिद्ध ETH ज्यूरिच यूनिवर्सिटी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को पछाड़ते हुए छठा रैंक हासिल किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहली बार सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी को टॉप 200 में जगह मिली है। चीन के 19 संस्थान टॉप 200 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नन्यंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी टॉप 11 में जगह बनाने में कामयाब रही है। रैंकिंग में गुणवत्ता, शिक्षक, छात्र, शोध, प्रकाशित पेपर आदि पैमानों पर यूनिवर्सिटीज को परखा गया है। भारत की रैंकिंग में नंबर 1 JNU QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 से बाहर हो चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 13 पायदान का सुधार हुआ है। DU का 2019 में 487वां स्थान था, अब 474 है। जामिया मिलिया इस्लामिया OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 751 से 800 के बीच है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, VIT, मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी पिछली रैंकिंग की तर्ज पर 801 से 1000 तक की श्रेणी में शामिल है। ध्यातव्य रहे कि शिक्षा जगत में नए रिक्रूटमेंट्स के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए इसी साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये महत्वपूर्ण घोषणा भी की थी कि टॉप 500 रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट लोगों को भारतीय शिक्षण संस्थानों में सीधा अपॉइंटमेंट दिया जाएगा।